मरहबा, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ कासिम हुसैन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का सीन ये है कि यार आज है फोटो वॉक ओल्ड लाहौर में, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि फोटो वॉक में होता क्या है, मतलब क्या सीन से आते हैं वहाँ पे। पर मेरी जो बात हुई है, मेरे कज़न खिजर ने करवाई है एक दोस्त से उसकी, तो अभी वहाँ जाकर देख लेते हैं क्या सीन से आते हैं, और बाकी ब्लॉग अंदरून लाहौर जाकर चेक करते हैं। अभी मैं लेट हो रहा हूँ, और दूसरी बात यह है कि 8 बजे का टाइम था, 8:30 यहीं हो गए हमें, तो यहाँ से खिसको। तो भाई लोग स्टार्ट में इतना स्लो बोलने की वजह ये थी कि मेरे दोस्त यार आए हुए थे सारे, और वो सोए हुए थे करीब, क्योंकि हम रात को बहुत लेट सोए थे। तो खिजर कौन है? खिजर मेरे एक ब्लॉग में भी आ चुका है मेरे साथ, तो उसका भी यूट्यूब चैनल है, जाके देख सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आजकल भाई फूड ब्लॉगिंग करते हैं, तो फॉलो कर सकते हो। वैसे मेरे इतने व्यूज़ आते तो नहीं है, फिर भी फॉलो कर सकते हो। और बाकी रही फोटो वॉक की बात, तो यार वो जाके देख लेते हैं, अगर मज़ा आया तो ठीक, ना आया तो अपनी फेवरेट जगह से नाश्ता करेंगे और घर वापस। वैसे ही मॉर्निंग राइड की मॉर्निंग राइड हो जाएगी, काफ़ी देर हो गई थी, अपनी लारी भी बंद पड़ी हुई थी, तो जब लारी बंद है तो इसको चला लेना चाहिए, बिल तो आता नहीं चलाते हुए। यार पूरे कितना, एक हफ्ता हो गया ऑलमोस्ट बाइक खड़ी है, आज इतनी डस्ट उतारी है ना मैंने इससे। और फिलहाल जाना अपने को फाटी गेट है, मतलब ओल्ड लाहौर में फोटो वॉक होगी। फोटो वॉक से मुराद क्या, मतलब पिक्चर्स बनाओ और वापस जाओ। चलो कुछ सब्सक्राइबर ही मिल जाएंगे, तर लेके सब्सक्राइबर ही सही, पर मिल जाएंगे। अपना भी 600 पूरा होने वाला है। बाकी चलो राइड एंजॉय करते हैं भाई, सही बात है, चस आ रही है, ट्रैफिक इतनी रोड पे है कोई नहीं, और मज़ा आ रहा है राइड करने का भी। सुबह सुबह निकलने का ये होते हैं शश के भाई, रोड मैं कहता हूँ चसे आ गई मज़े। तो यार 120 से नीचे मीटर नहीं आया, मज़ा आ रहा था यार, इसलिए मैंने टाइम लैप्स भी नहीं बनाया, बस मीटर मारो क्योंकि खाली रोड से। वैसे एक बात है, मर्द को दर्द नहीं होता होगा भाई, मान लिया, पर इस टाइम जो मेरे हाथों की हालत है ना ठंड की वजह से, लग पते गए हैं। तो अभी टाइम लैप्स बन सकते हैं, क्योंकि इस रोड पे मैं तेज़ नहीं चलाऊंगा, क्योंकि यहाँ के लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है, तो यहाँ सुकून से चलो, यहाँ बिल्कुल सुकून से। जब मैं यहाँ आ रहा था ना, मुझे नहीं था पता यहाँ इतना सीन होगा भाई, हर जगह सीन ही सीन है, लोग कैमरे पकड़ के खड़े हैं, और आपका भाई जिंदाबाद फोन से शुरू है व्लॉग, व्लॉग करना है यार, फोन है, कैमरा है, बस रिकॉर्ड हो रहे हैं, आवाज़ सही आ रही है, पिक्चर भी सही आ रही है, तो ठीक है ना अपन कर लेंगे। पर लोग यहाँ फुल शशके में आए हुए हैं, और अच्छी खासी आवाम आई है, पता नहीं अपना अपना क्या बनेगा, अपन अकेला आया केजर के कहने पर, अभी देखते हैं। यहाँ जनता तो बहुत है, पर अपने को जानने वाला कोई नहीं है, और प्रॉब्लम ये है कि जब आपको जानने वाला कोई नहीं है तो आप बोर हो गए। हाँ ऑब्वियसली बोर ही हो गए जब अकेले जाने, तो अकेले जाने से अच्छा है क्या किया जाए, किसका जाए यहाँ से, आई थिंक सो किसका जाए, अपनी पसंदीदा जगह से जाके नाश्ता करते हैं, और उसके बाद निकलते हैं आगे। आगे कहाँ, घर वापस, दोस्त यार आए हुए हैं, स्नूकर स्नूकर खेलते हैं जाके, ब्लॉग वहाँ जाके कर लेंगे, ब्लॉग तो होता रहेगा, फोटो वॉक गई शायद तेल लेने, यार बहुत सारे लोग हैं और आई थिंक मैं बोर फील कर रहा हूँ। मुझे फोटो वॉक का कोई सीन समझ नहीं आया, मुगीस से पूछो, मुगीस बताएगा आपको फोटो वॉक क्या है। फोटो वॉक में ये होता है वोट को इज्जत हो, वोट वोट को इज्जत हो, यार मतलब क्या, अगर वॉक में देखे ना मेरी बात देखे, हम यहाँ अकेले नहीं है, हाँ हमें सुनहरी मौका मिला है, 1000 से तकरीबन ज्यादा ही लोग होंगे, और उनमें कुछ महिलाएं भी हैं, हमें वैसे रिश्ता नहीं था ढूंढ रहा, सामने देना भी नहीं तो मैंने फैसला किया कि उन्हें इस फोटो वॉक में जाके अपने इश्तेहार बांटे जाए, ताकि कोई रिश्ता मिले। बहरहाल ये फोटो वॉक कनेक्शन बढ़ाने के लिए, वो जिनको कोई नहीं घर में नहीं पूछता, वो कहते हैं हम बैठ जाके एक दूसरे को मुंह लगा। अच्छा तो फोटो वॉक का सीन ये है भाई के, अगर आप अकेले आ रहे हो, सीरियस ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप अकेले आ रहे हो तो आपकी लाइफ झंड है, यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, ना आपको किसी ने मुंह लगाना है, बंदियाँ अपने बंदों के साथ है, बंदे अपनी बंदियों के साथ है, और जो नहीं है वो ग्रुप में आए हैं जो हमें मुंह नहीं लगाएंगे, सीरियसली बात बिल्कुल ऐसा ही है। ये कासिम भाई को कोई मुंह नहीं था लगा रहा, वो तो मैं मिल गया देखो भाई जूनियर्स का होना कुछ तो फायदा दे, कुछ तो फायदा। चलो अभी बस चलते जा रहे हैं, फोटो वॉक का एक सिनेरियो मौका देखना, तो गाजरों के साथ एक दिल
दाई सिंगल गोम है जिन्हें यूनिवर्सिटी में भी कोई मुंह नहीं लगाता और यहाँ आके बेनवीर की फोटो में शुरू हुआ है। इज्जत करो इज्जत, वो मेरी माँ की जगह है, चाहे दादी की जगह है। ये फोटो वॉक वाली अवाम कहाँ गई है, ये मुझे भी नहीं नजर आ रही यार। आधी ये खड़ी है, ये रिक्शे के पीछे देख लो, आधी अवाम ये है, आधी अवाम ये है। ये तो अपने ही दोस्त हैं ना, इनकी खैर है। आधी अवाम वो गलियों के अंदर पिक्चर्स बना रही है, तो पिक्चर्स बना किस चीज़ के रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही। वैसे ये जगह अच्छी है, खाना खा सकते हो आके, मेरी देरी नहीं बन रही। ये ले, अब आ गया। नहीं मतलब यहाँ आने का मकसद क्या था, अभी तक नहीं समझ आया भाई, टाइम वेस्ट। अच्छा मैं इनकी फोटो वॉक को बहुत आहो करा रहा हूँ, क्रिटिसाइज करा रहा हूँ, पर हाँ लोगों जिनकी बंदियाँ थी उनका तो मज़े शशके। अभी वो यहाँ से शायद डेट पे भी जा सकते हैं, जाएं। ये क्या, नहीं मेरा नहीं है। पहले बता रहा हूँ मेरा नहीं है। शशके के लिए दिखाया बस। दूसरा बंदा जो मिला था ये है उजैफा, ये भाई को तब से पिक्चर बनाने से फुर्सत नहीं मिल रही। तो फोटो वॉक के सीन अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो को शेयर करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है, पर लाइक ज़रूर ठोको, नहीं तो डिसलाइक मार सकते हो अगर नहीं पसंद आई तो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स, बाय बाय।